एक कम उम्र का ज्योतिषी जिसने अगस्त 2019 में कुछ भविष्यवाणियां की, उनमें से एक भविष्यवाणी को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। उस ज्योतिष का नाम है अभिज्ञान आनंद। इस वीडियो में मैं आपको अभिज्ञान आनंद और उनके भविष्यवाणी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभिज्ञान आनंद ने सबसे कम उम्र में आयुर्वेदिक माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अभिज्ञान का जन्म 2006 में श्रीरंगापटना कर्नाटका में हुआ। वे केवल 14 वर्ष के हैं। मीडिया की माने तो उन्होंने 2019 के अगस्त में कोरोना वायरस जैसी किसी आपदा की भविष्यवाणी की थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान आनंद के पिता का नाम आनंद राम सुब्रमण्यम है और उनकी माता का नाम अनु आनंद है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम अविद्या आनंद है। एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने यह बताया था कि नवंबर 2019 के बाद आने वाला समय पूरे विश्व के लिए संकटमय होगा। अपनी एक वीडियो के माध्यम से भविष्यवाणी में उन्होंने साफ साफ 31 मार्च का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगल एवं शनि की ग्रह दशा के कारण पूरे विश्व में दुखद समाचार मिलेगा, दुनिया में आर्थिक मंदी होगी और वह समय संकट का होगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अभिज्ञान आनंद के द्वारा जारी भविष्यवाणी का समय बीत चुका है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 29 मई तक यह वायरस समाप्त हो जाएगा। अभिज्ञान आनंद बचपन से ही प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई सरकारी स्कूल श्रीरंगपट्टनम तालुक से की है। उसके बाद उन्होंने दिव्य ज्योति कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसी कॉलेज में लेक्चरर बन गए। वर्ष 2013 से अब तक उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अगर अभिज्ञान आनंद की भविष्यवाणी को माने तो अब संकट का समय बीतने को है। बहुत जल्द सब कुछ सामान्य होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।